क्या तुम्हें पता है कि जॉय बॉय क्या है, जॉय बॉय कौन है, जॉय बॉय क्यों है? वेल यू नो व्हाट, मैंने तुमको आज ये सब के आंसर्स दूंगा थ्रू दिस वीडियो। थ्योरी वीडियो है और थ्योरी ओरिजिनल होने वाली है। मांगा स्पॉयलर्स अलर्ट, अच्छे खासे मांगा स्पॉयलर्स है वीडियो में। और चलो थ्योरी स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। चलो थ्योरी चालू करता है मैं, ठीक है? तो तुमको क्या लगता है कि जॉय बॉय एग्जैक्टली क्या है? मैं बताता है, जॉय बॉय इज अ टाइटल। यस, जॉय बॉय टाइटल है और ये टाइटल उस कैरेक्टर के लिए यूज़ किया जाता है जो कि हितो हितो नोमी मॉडल निका फ्रूट को अवेकन कर लेता है, या फिर निका फ्रूट खुद जिस कैरेक्टर के लिए अवेकन हो जाता है उसे जॉय बॉय कहा जाता है। जब जुनेशा ने चैप्टर 1043 में जॉय बॉय इज हियर बोला था, तब उसने बोला था कि 800 साल में एक बार भी जॉय बॉय नहीं आया है। अब इस चैप्टर में जुनेशा ने जॉय बॉय आ गया है तभी बोला था जब लूफी का फ्रूट अवेकन हुआ था। अब ऐसा तो है नहीं कि जुनेशा लूफी को पहली बार देखी थी वहाँ पे, जोआर्क में लूफी जुनेशा के ऊपर ही तो गया था ना, तो फिर उस टाइम जुनेशा ये क्यों नहीं बोली थी कि जॉय बॉय आ गया है? लूफी के फ्रूट अवेकन होने के बाद ही क्यों उसने बोला ऐसे? क्योंकि निका फ्रूट को अवेकन करने वाले को ही जॉय बॉय बोला जाता है। अब जुनेशा ने जो 800 साल के बाद जॉय बॉय आया है वाला बात बोला, उससे अपने को एक और चीज़ पता चलता है कि इन 800 सालों में भले ही निका फ्रूट के यूज़र्स बहुत आए हैं, लेकिन कोई भी निका फ्रूट को अवेकन नहीं कर पाया, ना ही किसी के लिए निका फ्रूट खुद अवेकन हुआ। इसका मतलब ये है कि 800 साल पहले एक कैरेक्टर था जो कि निका फ्रूट का यूज़र था और उसने अपने फ्रूट को, अपने निका फ्रूट को अवेकन किया था, और उसके बाद अब जाके लूफी सेकेंड यूज़र है जो कि निका फ्रूट के अवेकन पावर्स को यूज़ कर सकता है। अब ये जो 800 साल पहले निका फ्रूट का यूज़र था, ये वही कैरेक्टर है जिसके बारे में रॉजर बोला था, ये वही कैरेक्टर है जिसका मेंशन फिशमैन आइलैंड में हुआ था, और ये कैरेक्टर था फर्स्ट जॉय बॉय, और 800 साल के बाद अब जाके सेकंड जॉय बॉय आया है जो कि है अपना लूफी। इस वीडियो में मैं इस 800 साल पुराने कैरेक्टर को फर्स्ट जॉय बॉय बोलने वाला है, ताकि तुमको मैं जो बताने वाला है वो कन्फ्यूजिंग ना लगे। क्लियर हो गया ना कि जॉय बॉय एक नाम नहीं बल्कि एक टाइटल है? एंड आई गेस ये चीज़ से ये भी समझ आता है कि कैसे वन पीस में नारुतो जैसे रीइंकार्नेशन वाला शिट बिल्कुल नहीं है। अगर फ्यूचर में कोई दूसरा निका फ्रूट का यूज़र अवेकन कर लेता है अपना फ्रूट, तो उसको भी जॉय बॉय ही बोलेंगे। लेकिन इससे ना कुछ और क्वेश्चंस उठते हैं, जैसे कि 800 साल के बाद लूफी ही क्यों जॉय बॉय बना, और फर्स्ट जॉय बॉय एग्जैक्टली कौन था? तो पहले मैं तुमको बताता है कि लूफी ही क्यों जॉय बॉय बना, 800 साल में कोई और क्यों नहीं बना। आंसर इज लूफी का डिज़ायर। चैप्टर 1044 में गोरोसे ने सन गॉड निका को वॉरियर ऑफ लिबरेशन बोला था। लिबरेशन आया है वर्ड लिबरल से, जिसका मतलब होता है फ्रीडम। पॉलिटिकल साइंस वाला वर्ड है ये। और तुमको पता है ना कि लूफी का ड्रीम क्या है? टू बी फ्री। तो मुझे ऐसा लगता है कि निका फ्रूट सिर्फ उसी बंदे के लिए अवेकन होगा जिसका ड्रीम या फिर डिज़ायर होगा फ्रीडम का। और 800 साल पहले ये सेम चीज़ फर्स्ट जॉय बॉय में भी था, और उसके बाद अभी तक किसी में ये फ्रीडम के लिए डिज़ायर नहीं था, बट थिंग्स चेंज्ड इन लूफीज केस। समझ गए ना कि लूफी ही क्यों सेकेंड जॉय बॉय बना, कोई और क्यों नहीं। अब थोड़ा बात करते हैं रॉजर की। तो क्या रॉजर सेकेंड जॉय बॉय बन सकता था? मुझे लगता है हाँ, रॉजर बन सकता था सेकेंड जॉय बॉय, क्योंकि रॉजर का भी डिज़ायर कहीं ना कहीं फ्रीडम ही था। चैप्टर जीरो में रॉजर ने सीकी को क्लियरली बोल दिया था कि उसको पावर नहीं मांगता है, और तुमको पता है राइट कि जो एक्चुअल सीक्रेट ड्रीम है लूफी और रॉजर का वो सेम है, जो कि अभी के टाइम पे अपने को नहीं पता। आई थिंक ये फ्रीडम से ही कनेक्टेड है, क्योंकि रॉजर और लूफी बहुत ज़्यादा सिमिलर है, और रॉजर भी कहीं ना कहीं फ्रीडम ही चाहता था। लेकिन रॉजर अनलकी था ऑब्वियसली। पहली बात तो उसको वो कमबख्त बीमारी लग गई, प्लस रॉजर को कभी निका फ्रूट मिला ही नहीं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए कभी जॉय बॉय बन ही नहीं पाया। वैसे मैं तुमको एक चंट हरकत बताऊँ ओडा का। देखो जॉय बॉय एक टाइटल है राइट, मतलब मैं जो तुमको अभी पूरा थ्योरी बता रहा है उसके हिसाब से, और फर्स्ट जॉय बॉय का नाम तो जॉय बॉय नहीं था ना, उसका कुछ और नाम था राइट। लेकिन फिर भी ओडा ने फर्स्ट जॉय बॉय का नाम छुपाया। अगर ओडा चाहता तो वो रॉजर के लॉफ्टन पे पहुंचने वाले सीन में फर्स्ट जॉय बॉय का नाम रिवील कर सकता था, लेकिन उधर उन्होंने रॉजर से जॉय बॉय आई विश आई हैड लिव्ड इन द सेम एज यू बुलवाया। भाई ये यहाँ पे जो जॉय बॉय यूज़ किया है, मतलब जो रॉजर ने जो जॉय बॉय बोला है उसके बदले भाई वो फर्स्ट जॉय बॉय का रियल नाम भी बोल सकता था, लेकिन नहीं, जॉय बॉय बोला। वैसे मैंने तुमको बता दिया क्या कि अवेकंड निका फ्रूट के यूज़र को जॉय बॉय ही क्यों बोलते हैं? नहीं बताया शायद, बता देते हैं। सिंपल है भाई ये। 1044 में गोरोसे ने बोला था कि सन गॉड निका अपने आसपास के लोगों के चेहरे पे स्माइल ला देता है, मतलब कि उसके आसपास रहना ही जॉयफुल होता है, समझे? फर्स्ट जॉय बॉय को जॉय बॉय ही क्यों बोलते थे, और जॉय बॉय ही क्यों निका फ्रूट के अवेकंड यूज़र को बोला जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट शैंक्स।
शैंक्स इसलिए क्योंकि उसने निका फ्रूट वर्ल्ड गवर्नमेंट के शिप से चुराया था, रिमेंबर? तो क्यों वो शिप से निका फ्रूट को चुराया था? ऑब्वियसली क्योंकि उसको पता था कि वो निका फ्रूट है, लेकिन कैसे? मैंने वैसे बहुत बार बोला है ये चीज़, बट फिर से बोल दे रहा कि मुझे लगता है कि रेलिंग ने शैंक्स को ट्रेन किया था रोजर पायरेट्स के डिसबैंड होने के बाद, और शैंक्स को उसने कोंकर साकी की ट्रेनिंग दी थी और प्रॉपर तरीके से स्वॉर्ड यूज़ करना भी सिखाया था, और रेलिंग ने शैंक्स को वॉइड सेंचुरी के बारे में भी बताया उसी टाइम। शैंक्स को फर्स्ट जॉब बॉय, निका फ्रूट सबके बारे में पता है, ये मैं मानता है, रेलिंग ने उसको ये सब चीज़ बता रखा है, लेकिन क्यों शैंक्स को ही क्यों? शैंक्स को बताना इतना इंपॉर्टेंट क्यों समझा रेलिंग? क्योंकि शायद रेलिंग चाहता था कि शैंक्स जाए और खोजे उस बंदे को जो फ्यूचर में सेकेंड जॉब बॉय बनेगा। ओडन का प्रिडिक्शन पता है ना, ओडन ने 20 साल पहले बोला था कि 20 साल बाद जॉय बॉय आएगा और वानों को फ्री करेगा। रोजर ने भी बोला था कि वो बहुत जल्दी लॉफ्टेल पहुंच गया है, कोई बाद में पैदा होगा और वो उन सबको सरपास करेगा। ये चीज़ रोजर ने अपने पूरे क्रू को बोला था। इसलिए रोजर पायरेट्स के डिसबैंड होने के बाद रेलिंग ने शैंक्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि बाबू तुम तो अपना खुद का पायरेट क्रू बनाने ही वाले हो ना, तो मेरा एक काम कर देना, सेकेंड जॉबे को ढूंढना और मेक श्योर करना कि वो निका फ्रूट खाए। क्यों रेलिंग खुद नहीं निकला ढूंढने फ्यूचर जॉबर को? क्योंकि रेलिंग रिटायर हो चुका था और शायद वो चाहता था कि शैंक्स, जो कि अगले जनरेशन वाला है, मतलब उसके जनरेशन के बाद वाला जनरेशन का है, वही खोजे इस फ्यूचर जॉबर को, इस सेकेंड जॉबर को, जो बंदा सेकेंड जॉबर बनने वाला है। अब इधर पे मुझे लगता है कि रेलिंग ने शैंक्स को एक बच्चे के बारे में बताया जिसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होता सेकेंड जॉबर बनने का, एंड ये बच्चा ऑब्वियसली एस था। आई मीन एस भाई रोजर का खुद का खून था यार। शायद शैंक्स को लगा था कि रोजर तो सेकेंड जॉब में नहीं बन पाया, परंतु उसका सुपुत्र एस सेकेंड जॉब में बनेगा, और रोजर का सुपुत्र ही है वो जिसका प्रेडिक्शन ओडन ने किया था और जिसके बारे में रोजर ने पूरे क्रू के सामने बोला था। इसलिए जब शैंक्स ने वर्ल्ड गवर्नमेंट के शिप से निका फ्रूट चुराया, वो सीधा चल दिया गोवा किंगडम, जहाँ पे गार्प एस को पाल रहा था। अब समझे कि शैंक्स गोवा किंगडम में क्या कर रहा था, मतलब क्या कारण से वो वहाँ पे था। वो एस को गोंद गोंद फल खिलाने गया था, लेकिन लूफी एस से पहले वो खा गया निका फ्रूट, एंड गेस व्हाट, कोइंसिडेंटली शायद, बट लूफी ने सेम वर्ड्स बोला जो रोजर तेंचो ने बोला था, और उसको सुन के शैंक्स समझ गया कि मे बी इट इज़ नॉट एस बट दिस बालक मोंकी डी लूफी हु विल बिकम द सेकेंड जॉय बॉय। लेकिन लॉन्डो एक चीज़ सोचो, अगर लूफी के बदले कोई और कैरेक्टर जैसे कि लॉ, जोरो, सांजी, नामी, रॉबिन या फिर कोई भी दूसरा कैरेक्टर निका फ्रूट को खाता, तो तुमको क्या लगता है शैंक्स फिर क्या करता? मैं बताऊं भाई, शैंक्स उस कैरेक्टर को मार देता, क्योंकि अगर वो कैरेक्टर जिंदा रहता तो निका फ्रूट तो बर्बाद ही होता, उससे अच्छा शैंक्स उस कैरेक्टर को मार देता। आई मीन लूफी के अलावा कितनों का ही है बे फ्रीडम वाला ड्रीम, बताना ज़रा। तो इसलिए शैंक्स मार देता वो कैरेक्टर को, और फिर फ्रूट फिर से सी में कहीं रिस्पॉन हो जाता और शैंक्स निकल जाता फिर से निका फ्रूट को खोजने। तो लूफी अगर नहीं होता निका फ्रूट को खाने वाला, तो मैं भी अपन शैंक्स का एक ईविल साइड को देखते, जो कि एक मासूम बच्चे को मार दिया होता फॉर निका फ्रूट। इट इज़ समहाउ सिमिलर टू ब्लैक बेट, इज़ इट? और हाँ, शैंक्स कभी सेकेंड जॉब नहीं बन सकता था, ठीक है, क्योंकि उसमें वो फ्रीडम के लिए डिज़ायर नहीं है। अभी तक के हिसाब से उसको देख के लगता है कि उसको बस पीस मांगता है। लौंडा गोरो से, जो कि पीस के दुश्मन है, उनसे बात करने गया था। व्हाइटबेर्ड के शिप में बेशर्मों की तरह गया था वो, और बोला था व्हाइटबेर्ड को कि एस को बुला ले। इवन तो उसको पता था कि व्हाइटबेर्ड का आंसर क्या होने वाला है, उसको उसका ह्यूमिलिएशन चलेगा, बस पीस रहना चाहिए। मरीनफोर्ड भी गया वो पीस मेंटेन करने। शैंक्स अगर निका फ्रूट खाता तो शायद निका फ्रूट का भी अवेकन ही नहीं होता। वैसे सोचो एक चीज़, अगर ये सब सच होता है जो मैं अभी तुमको पूरा बता रहा है, तो फिर तो शैंक्स कहीं खुश हुआ होगा ना अपने डिसीजन पे, जब वो फ्यूचर में एस से मिला था, मतलब 2 या 3 साल पहले जो भी मिला था वो। एस को देख के सोच रहा होगा कि अच्छा है लूफी खा लिया निका फ्रूट को, ये दूर तो वाइट बेट को हरा के स्ट्रॉन्गेस्ट बनने का फुद्दू सा सपना देख रहा है, ये निका फ्रूट खाता तो बर्बाद ही होता लंबाओ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी फर्स्ट जॉय बॉय। फर्स्ट जॉय बॉय कौन हो सकता है? अच्छा, उससे पहले सन गॉड निका के बारे में बात करते हैं। तो सन गॉड निका का सबसे पहले मेंशन हुजहू ने किया था इन चैप्टर 10-18। हुजहू इस चैप्टर में बोला था कि पुराने टाइम पे जो स्लेव्स थे वो सन गॉड निका को पूजते थे और ये मानते थे कि सन गॉड निका आएगा, उनको फ्री करेगा, उनके चेहरों पे स्माइल लाएगा और उनको उनके मुसीबतों से छुटकारा दिलाएगा। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे जिस सन गॉड निका का बात हुजहू ने किया है ना, वो एक्चुअली में फर्स्ट जॉय बॉय था। मुझे लगता है कि ये स्टोरी एक्चुअली में हुआ था,
फर्स्ट जॉब ने शायद एक्चुअल में स्लेव्स को फ्री किया था, और क्योंकि सन गॉड को पहले से ही पूजा जाता है, स्काइपिया आर्क में पता चला था अपने को रिमेंबर कि सन गॉड, मून गॉड और दुनिया भर के गॉड को वहाँ पे लोग पूजते हैं, इसलिए जब एक्चुअली में कोई बंदा आया जो कि सन गॉड के पावर्स को यूज़ कर सकता था, तब वो स्लेव्स उसको सच का सन गॉड निका मानने लगे। वरना अगर ये सिर्फ एक नॉर्मल सा लेजेंड होता तो फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट उस गार्ड को जिसने हुसू को ये स्टोरी बताया उसको गायब क्यों करती? मे बी क्योंकि ये स्टोरी रियल है और शायद से ये फर्स्ट जॉयबॉय का स्टोरी है। वैसे कभी सोचा है कि रेलिक ने एग्जैक्टली लूफी को ट्रेन क्यों किया था? सावधानी आर्क में याद है कि लूफी क्या रीज़न से रेलिक के पास गया था? मैं बता देता है, क्योंकि उसको अपने शिप को कोटिंग करवाना था ताकि वो न्यू वर्ल्ड को अंडरसी वाले रास्ते से एंटर कर सके, और यही रेलिक करने भी वाला था। बट फिर ऐसा क्या हुआ कि रेलिक ने ट्रेनिंग का ऑफर दिया लूफी को? इतना बड़ा मूड स्विंग भाई, पीरियड्स थोड़ी ना चल रहे थे उसके। बताओ यस यू आर राइट, मरीन फोर्ड वॉर। बट मरीन फोर्ड वॉर में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से रेलिक ने लूफी को ट्रेन किया? अब इसका नॉर्मल आंसर है कि मरीन फोर्ड वॉर में लूफी बहुत वीक था और वो न्यू वर्ल्ड के लिए उस टाइम रेडी नहीं था, इसलिए रेलिक ने डिसाइड किया उसको रेडी करने का न्यू वर्ल्ड के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि रेलिक के इस डिसीजन का एक और रीज़न था, और वो है लूफी का डेडिकेशन एस को फ्री और बचाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि रेलिक को भी वो स्टोरी पता था जो कि हो को जेल के गार्ड ने बताया था, और जैसे फर्स्ट जॉयबॉय स्लेव्स को बचाया था और फ्री किया था, वैसे ही यहाँ पे लूफी अपने भाई को बचाने और फ्री करने गया था। और ये चीज़ को देख के रेलिक श्योर हो गया कि लूफी ही है जो सेकेंड जॉयबॉय बनेगा। वो पहले ही श्योर हो गया था लूफी से बात करके, बट उसके डेडिकेशन को देख के वो और श्योर हो गया। बट अनफॉर्चुनेटली लूफी वीक था तो वो एस को बचा नहीं पाया, जिसकी वजह से रेलिक उसको ट्रेन किया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे एस लूफी का भाई था, वैसे ही शायद वो स्लेव्स का भाई था फर्स्ट जॉयबॉय? वैसे हुज़ू ने एग्जैक्टली नहीं बताया कि उस स्टोरी के स्लेव्स एग्जैक्टली कौन है, वो फिशमैन भी हो सकता है और ह्यूमन भी। तो फर्स्ट जॉयबॉय हो सकता है कि एक फिशमैन हो या फिर शायद ह्यूमन भी हो सकता है वो। वैसे चैप्टर 649 में नेपच्यून ने रॉबिन को बताया था कि जॉयबॉय एक पर्सन है जो कि सरफेस में रहता था 100 ईयर वर्ल्ड सेंचुरी के टाइम पे, मतलब कि हो सकता है कि फर्स्ट जॉयबॉय ह्यूमन ही था। लेकिन अगर फर्स्ट जॉयबॉय फिशमैन होता है तो भी कुछ सरप्राइजिंग नहीं होगा, क्योंकि वो एक डेल फ्रूट यूज़र था, निका फ्रूट का यूज़र था ना वो, तो वो तो ऐसे भी पानी में नहीं रह सकता था, इसलिए शायद नेपच्यून के POV से वो एक पर्सन ही था। वैसे फर्स्ट जॉयबॉय का कनेक्शन कहीं ना कहीं जायंट से भी है, याद है ना वो जायंट स्ट्रॉ हैट जिसको ईमू सामा देख रहा था और या फिर देख रही थी, जो भी है वो फर्स्ट जॉयबॉय का ही है मेरे हिसाब से। तो ये भी हो सकता है कि फर्स्ट जॉयबॉय जायंट था, या फिर हो सकता है कि वो वोतन था, वोतन मतलब जायंट और फिशमैन का ब्रीड। फर्स्ट जॉयबॉय वानो या फिर कोजुकी क्लैन से भी कनेक्टेड है, तभी तो उन लोगों ने उसका अपॉलॉजी वाला मैसेज फिशमैन आइलैंड में छोड़ा था थ्रू पोनिक्लिफ। शायद फर्स्ट जॉयबॉय लूनेरियन से भी कनेक्टेड था, चैप्टर 1049 में हिंट मिले हैं उस चीज़ के भी। फर्स्ट जॉयबॉय का कहीं ना कहीं सारे स्पीसीज को फ्री करने का ड्रीम हो सकता है, और शायद वो ऐसा वर्ल्ड बनाना चाहता था जहाँ पे सभी स्पीसीज मिलजुल के रह सके। पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत सारे हैं भाई, बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर लिया मैं इस जॉयबॉय के बारे में। फर्स्ट जॉयबॉय, सेकेंड जॉयबॉय, सबके बारे में कुछ ज़्यादा ही बात कर लिया भाई मैं। वेल, इतना ही बस दिमाग लगा पाया मैं, एंड दिस कंक्लूड्स माई थ्योरी, एंड बस वीडियो ख़त्म। यू कैन लाइक द वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, यू कैन कमेंट योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस थ्योरी और वीडियो। मैं कुछ नहीं बोल रहा करने, तुमको ऑप्शन दे रहा, ठीक है, करना है तो करो वरना करो। वैसे 5K जल्दी हो जाता तो मज़ा आ जाता। एनीवेज, एक ब्लैक ब्लेड पे थ्योरी सोचा है, उसके प्लॉट होल्स को फिक्स करना है बस, उसमें अच्छे खासे प्लॉट होल्स है अभी, तो उसको सुधारते हैं, मैं देखते हैं कब लाते हैं मैं उसको। चलो भाई, मैं निकलते हैं अब, नेक्स्ट वीडियो में आज सुने मिलेगी, तो बाय बाय।